गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साथियों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस 11th क्लास की नई क्लास मिल सके। साथियों का एकमात्र संस्थान गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचो, जहाँ पर अलग से एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रहा है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते। एडमिशन ओपन। टॉपिक चल रहा है फर्टिलाइजर उर्वरक। आज का अपना टॉपिक रहेगा उर्वरकों के प्रयोग की विधियां, यानी कि अपन खेत में डीएपी, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास, एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सल्फेट, एनपीके जैसे पोषक तत्व फसल को उपलब्ध करवाते हैं। तो ये सभी उर्वरकों के प्राथमिक पोषक तत्वों का मिश्रण उर्वरक कहलाता है। तो उन उर्वरकों का अपन खेत में या फसल में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? तो उर्वरक दो प्रकार के होते हैं। एक तो ठोस अवस्था में, जैसे कि यूरिया है, गोलाकार सफेद आकृति में कण के रूप में पाया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास है, मिर्ची पाउडर भी जैसा होता है। तो अलग अलग उर्वरकों की प्रकृति है वो अलग अलग, कुछ ठोस में होते हैं और कुछ क्या होते हैं, द्रव में होते हैं। तो ठोस का उपयोग किस प्रकार से करना है और द्रव उर्वरकों का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, इनकी तीन विधियां हैं। पहली है छिड़काव विधि, दूसरी है संस्थापन विधि और तीसरी है स्थानिक संस्थापन विधि के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। छिड़काव विधि में बुआई के समय आप उर्वरक छिड़क सकते हैं, जब उर्वरक की प्रकृति कैसी हो, ठोस हो। कूड़ में जो आपके क्यारियां बनाई है उसमें आप छिड़क सकते हैं। खड़ी फसल में उर्वरक दे सकते हैं, जिसे खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्पॉट ड्रेसिंग, मतलब कि जो पौधा है और पौधे के चारों ओर उर्वरक देना, ये जो प्लांट करा ठीक है ये, और इस प्लांट के यहाँ ये तो तीन विधियां हैं। छिड़काव विधि के माध्यम से आप ऐसे कर सकते हैं, बुआई के समय छिड़क सकते हैं, कूड़ में दे सकते हैं, टॉप ड्रेसिंग खड़ी फसल का आप उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं, स्पॉट ड्रेसिंग में खड़ी फसल की जो पौधे का मुख्य तने वाला भाग है, जहां से जड़े और भूमि के संपर्क में उसके चारा होने को दिया जाता है, तो वो जाएगा स्पॉट ड्रेसिंग। दूसरा है संस्थापन विधि में हल्दुस्ता, हल्केसा, गेंद संस्थापन, अधोभूमि नाम ऊपर नीचे। तीसरा स्थानिक में डबलिंग, ड्रिलिंग, पट्टी, गोली का रिंग और संपर्क संस्थापन के माध्यम से भी उर्वरक दे सकते हैं फसल। उर्वरक कई विधियों से खेत में प्रयोग में किए जाते हैं। उर्वरक प्रयोग इसमें विधि का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों को पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाए, यानी कि आप किसी भी विधि से उर्वरक दे रहे, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि वो उर्वरक, वो प्राथमिक पोषक तत्व जो हम फसल को देना चाहते हैं वो सफलतापूर्वक फसल को उपलब्ध हो जाए। उर्वरकों का कम से कम ह्रास हो, उनके प्रयोग में आसानी आए, इन सभी को उर्वरकों की उपयोग दक्षता या फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। उर्वरक प्रयोग करने की विधि चयन में आप कई प्रकार की बातों का ध्यान रखते हैं, मृदा की प्रकृति, फसल की प्रकृति, उर्वरक की प्रकृति कैसी होती है, फसल की प्रकृति, मृदा की प्रकृति कैसी है और उर्वरक किस प्रकृति का है, उसके आधार पर दे सकते हैं। उर्वरक प्रयोग करने की विधियां जिसमें
मिट्टी की किस्म, मृदा की तरल रूपता, मृदा में नमी की मात्रा, मौसम की दशा, जलवायु, फसल की किस्म व आयु, उर्वरक की किस्म, उर्वरक में पोषक तत्वों की उपलब्धता, उर्वरक की उपलब्धता व इकाई मूल्य, उर्वरक के प्रयोग करने में काम आने वाले यंत्र आदि की उपलब्धता, श्रम मेहनत की उपलब्धता आदि बातों पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त मृदा का गठन, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, पीएच मान, धनायन विनयन एफिशिएंसी, पोषक तत्व स्तर मृदा में, कार्बन का स्तर, फसल का रूट सिस्टम, पौधों से पौधे, कतार से कतार के बीच का कितना अंतर है, उर्वरक की भौतिक अवस्था, मृदा में घुलनशील है या नहीं, उनकी गतिशीलता आदि उर्वरकों की विधि के चयन को प्रभावित करती है। यानी कि ये सब परिस्थितियां हैं, यदि अनुकूलित हैं फसल का वृद्धि विकास है वो बढ़िया ढंग से होता है। पहली है, यदि प्रयोग में आप ठोस रूप में उर्वरकों का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इसमें आप बुआई के समय या छिड़काव दे सकते हैं संस्थापन और स्थान। यदि द्रव उर्वरक का प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रारंभिक उर्वरक घोल तैयार करना होता है आपको, ठोस में तो ये ठोस की विधियां, द्रव रूप में उर्वरक देना चाहते हैं तो प्रारंभिक उर्वरक घोल तैयार करना, यानी कि कितना लीटर, मान लो 1000 लीटर में पानी में आप कितने किलोग्राम द्रव उर्वरक है वो मिले हैं, तो वो फर्टिलाइजर सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सबसे पहले सिंचाई के जल के साथ उर्वरक का प्रयोग करते हैं या पूरी कर सिंचाई करते हैं, यानी जिसे कहते हैं फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब सिंचाई जल के साथ उर्वरक का प्रयोग करना फर्टिगेशन कहलाता है। तत्व के घोल का पौधों पर आप यूरिया का घोल तैयार कर लिया, पादप की पत्तियों पर इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं। बीजों को तत्वों के घोल में डुबोना, यानी कि उस द्रव उर्वरक से आप फसल के बीजों को उपचारित कर सकते हैं, बीजों के ऊपर तत्वों के सांद्र घोल की परत चढ़ा सकते हैं, पौधों में तत्वों के घोल का इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसा कि ये ककड़ी कुकुरबिटेसी कुल में होता है उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। मृदा में उर्वरक घोल का प्रत्यक्ष प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये समस्त विधियां हैं। द्रव उर्वरक यानी कि लिक्विड फॉर्म में यदि आपका फर्टिलाइजर है तो आप उसका इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अब आज अपन बात करते हैं पहली विधि की, छिड़काव विधि। और छिड़काव विधि में पहले आती है बुआई के समय आप छिड़काव विधि से उर्वरक हम किस प्रकार से दोगे। इस विधि से कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद को फसल बोने से पूर्व खेत में बिखेर देते हैं और बाद में हल चलाकर इसको मिट्टी में मिला देते हैं। नाइट्रोजन के उर्वरक भी फसल बोने से पहले व खड़ी फसल में बिखेर दिए जाते हैं। इस विधि में उर्वरक की मात्रा अधिक खर्च होती है। सिंचाई के उचित प्रबंध न होने पर ये विधि प्रयोग की जा सकती है। जिन मृदाओं में अधिक खरपतवार होते हैं वहां पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन फसलों की तत्व संबंधी आवश्यकता अधिक होती है उनमें भी ये विधि काम में नहीं लेनी चाहिए। फॉस्फेटिक एवं पोटेशियम उर्वरक इस विधि से प्रयोग नहीं करने चाहिए क्योंकि इसकी घुलनशीलता एवं गतिशीलता कम होती है, जिसके कारण पादप में इसका स्थिरीकरण है वो शीघ्र हो जाता है और फसल को उपलब्ध होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस विधि से श्रम एवं समय की बचत होती है। असमतल अर्थात ढालू मृदाओं में भी इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ढलान वाली भूमियों से वर्षा या सिंचाई जल के साथ ही उर्वरक घुलकर के नीचे की ओर बह करके समतल भूमि में आ जाता है। ब्लूई मृदाओं में
इस विधि से उर्वरक का प्रयोग भी अधिक लाभदायक नहीं होता है। इस विधि में पौधों को बराबर मात्रा में पोषक प्रदान नहीं होते हैं, तत्वों का ह्रास भी इस विधि से अधिक होता है। तो बुआई के समय खेत में उर्वरक देना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। तो ये जो ऊपर लिखा बुआई के समय छिड़काव विधि से उर्वरक देना बेसल ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का मतलब बताए खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। अधिकांश घनी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। खड़ी फसल में उर्वरक परिस्थिति के अनुसार बिखेर सकते हैं या पंक्तियों के किनारे पर डाल सकते हैं। जिन फसलों में पौधों की अधिक दूरी होती है वहाँ पर उर्वरक पौधों के चारों ओर या एक ओर डाल दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मक्का। तो इस प्रकार से पौधे की जड़ों के जड़ सिस्टम के आसपास चारों ओर उर्वरक देने की विधि को स्पॉट ड्रेसिंग कहते हैं। खड़ी फसलों में पौधों को उनकी आवश्यकता अनुसार उर्वरक देते हैं। इस विधि में पौधों की गिल्ली पत्तियों पर उर्वरक पड़ जाने से पत्ती झुलसने का डर बन जाता है। शुष्क मौसम में जब पत्ती गिली न हो उर्वरक डालना चाहिए। बड़े क्षेत्र में ठोस उर्वरक को वायुयान की सहायता से भी छिड़क सकते हैं, जिससे पोषक तत्वों का ह्रास इस विधि से अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये पहली विधि है जिसमें अपन ने आज डिस्कशन किया, छिड़काव विधि, जिसमें पहला है बेसल ड्रेसिंग। बुआई के समय खेत में उर्वरक देना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। दूसरा टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। और तीसरा है स्पॉट ड्रेसिंग, यानी कि एक पौधा है उस पौधे के चारों ओर जड़ तंत्र के पास उर्वरक देना स्पॉट ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। कल डिस्कस करेंगे संस्थापन और स्थानीय विधि से खेत में उर्वरक किस प्रकार से प्रयोग में किया जाता है, और मृदा में प्रयोग और छिड़काव प्रयोग में क्या अंतर रहेगा, दोनों में से कौन सा है वो अधिक लाभदायक रहता है और कौन सा नहीं रहता है के बारे में अध्ययन करवाएंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।